ऑनलाइन लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने दूसरी इकाई में पहली जो कविता है कह कबीराय, इसका आधा पार्ट देखा था। अभी इस कविता का जो रिमेनिंग पार्ट से वो हम आज देखने वाले हैं। देखो, इस कविता में कह कबीराय यानी कि मैंने शुरू में ही बोला था, लास्ट टाइम ही बोला था कि कह कबीराय यानी कि कवि कहते हैं। अभी जो गिरिधर हैं कवि, इनका परिचय और इनके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। और एक बार फिर मैं उन्होंने इस कविता में किस तरह का और क्यों क्या कहा है और एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो इस कविता में कवि गिरिधर ने 6 कुंडलियां दी है जो रोला और दोहा से मेल मिल से मतलब दोनों मिला के बनती है कुंडली। तो इस कविता में उन्होंने 6 कुंडलियां दी है और उनके जो कविता है उनका यह विशेषता है कि कवि गिरिधर की कुंडलियों में व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं। और यहाँ गिरिधर जी के 6 कुंडलियां दी गई है इस कह कविराय। इस कविता में उन्होंने 6 कुंडलियां दी। तो अभी पहली कुंडली में उन्होंने गुणों के महत्व को दर्शाया है, जैसे कि लोग जो गुणी व्यक्ति हैं, तो जो गुणी व्यक्तियों को हजारों लोग पसंद करते हैं और गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता है, इस पहली कुंडली में है। उन्होंने इस तरह की बातें की है और इनके इसके बारे में उन्होंने बताया है, गुणों के बारे में बताया है। पहली प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया है, मतलब पहली कुंडली हजारों लोग जो होते हैं वो गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस तरह कौवा और कोयल का रंग एक होता है लेकिन उनके जो अंदर गुण है मतलब आवाज के बारे में, तो वो अलग है। इसके लिए कौवे को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उनकी उसकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी नहीं है। और उसके अलावा कोयल की आवाज जो होती है बहुत ही मीठी होती है और वो सुहावन लगती है, मतलब अच्छी लगती है। और दोनों कोयल की आवाज हर एक कोई सुनता है। तो ये पहली कुंडली में उन्होंने बताया है। तो इसी तरह पहली कुंडली में उन्होंने बताया कि हजारों लोग जो है गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। अभी दूसरी कुंडली में उन्होंने कहा है कि स्वार्थपरता का वर्णन किया है कि इन्होंने इस पूरे संसार में देखा है, देख लिया है कि सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। मतलब कि ये दुनिया है, सभी जब तक आपके पास कुछ है, मतलब उसके पास जब तक किसी के पास पैसा है तब तक उससे मित्रता पूर्वक लोग व्यवहार करते हैं। और पैसा जैसे ही खत्म होता है वैसे वो मुंह से देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। और जब उनके पास जिनके पास पैसा रहता है तो वो साथ साथ में घूमते रहते हैं, साथ साथ में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही धन समाप्त होता है, जैसे पैसा समाप्त होता जाता है हो जाता है, तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। तो और इसमें और कवि ने कहा है कि ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे कम मित्र होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ के आपके साथ व्यवहार करते हैं, आपके साथ अच्छा बातें करते हैं। ये थी दूसरी कुंडली। अभी तीसरी कुंडली में उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के विषय में बताया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं जानते। ऐसे लोग होते हैं जो ऋण लेते हैं, ऋण यानी कि उधार कर्जा, और जब आप उनसे मांगने के लिए जाते हो या फिर उधार चुकाने की बात आती है तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं और वो आपका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है ऐसा कहते हैं। झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके करते हैं उधार ले जाते हैं और पैसा लेते समय उन्हें क्या आता है, बहुत ही आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की जब नियत बारी आती है, क्योंकि उनकी ऋण चुकाने की जो कर्जा लिया था वो चुकाने की नियत ही नहीं होती है, और वो जब पैसा लौटाने की बात आती है, समय आता है, तो क्या करते हैं वो भिन्न कारण बताते हैं। और उधार लेने वालों का
यही व्यवहार रहता है। और पैसा मांगने पर क्या करते हैं वो, कभी कभी तो मारने भी दौड़ते हैं। इसलिए कभी गिरफ्तार करते हैं कि ऋण लेने वाले का मित्र भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। बहुत दिन हो जाए तो क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि जो आपका कागज था वही झूठा था। तो ये थी हमारी 3 कुंडलियां। अभी आगे वाली कुंडली हम देखने वाले हैं। अभी इस कुंडली में यानी कि चौथी कुंडली में उन्होंने कहा गया है कि उन्होंने बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है, वो इस कुंडली में कहा है। ठीक है, तो हम अभी कुंडली देखते हैं, हमारी चौथी कुंडली देखते हैं। बिना विचारे जो करे छो सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाय, जग में होत हसाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो ये हमारी चौथी कुंडली है, हम अभी इसकी दो दो लाइनें देखते हैं। ठीक है, तो ये है चौथी कुंडली की पहली दो लाइन। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाय। यहाँ पे शब्दार्थ देखो, विचारे यानी कि सोचे, बिना विचार, करे यानी कि करता है, सो यानी कि वहां, पाछे मतलब बाद में, पछताए का मतलब होता है पछताता है, बिगाड़े यानी कि बिगाड़ता है, आपने यानी अपना और जग यानी कि संसार। तो इस कुंडली में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उनके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता तो उसे काम बिगड़ जाने का जाने पर क्या करता है, पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे, बिना मतलब बिना सोचे समझे कोई भी अगर काम करोगे और बाद में क्या करना पड़ता है उसको, परिणाम के बारे में उसको पता भी नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसका परिणाम क्या होने वाला है इसके बारे में कोई सोचते नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर आपको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो आप सामने वाले को कुछ भी बोलते हैं, उसका परिणाम क्या होगा वो आप उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते। जैसे कि अगर कोई आपको गुस्सा है तो सामने वाले का मन का भी नहीं सोचते, वो किसी के सामने भी आप उसके उसको बोलते हैं या फिर डांटते हैं। और यही काम, अगर काम बिगाड़े, बिगाड़े यानी कि बिगड़ता है, ऐसा काम होता है जो बिगड़ जाता है तो क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो आपके ऊपर हंसते हैं, संसार में उस पर, संसार उस पर क्या करता है, हंसता है। क्योंकि आपने जो काम किया है, आपने जो किसी को भी कुछ भी बोला है या फिर जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और वो आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर अच्छा नहीं था, इसके लिए क्या हो जाता है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सोच समझ कर करना चाहिए। तो कवि ऐसे ही लोगों के बारे में बोलते हैं कि जो लोग या फिर जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई अगर काम करता है तो उसका परिणाम ही अलग ही होता है। और क्योंकि उन्होंने जो काम किया है या फिर जो भी बोला रहेगा या फिर जो कुछ भी किया रहेगा उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होता है। इसके लिए जो वो काम कर रहे हैं, काम करते हैं, वो क्या करता है, बिगड़ जाता है। बिगाड़े आपने मतलब आपका जो काम है वो बिगड़ जाता है और इसकी वजह से लोग जो हैं आपके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं। तो जो बिना विचारे जो काम करे क्या करता है वो आपको बाद में पछताना पड़ता है, वह क्या है? सो यानी कि वहां पाछे पछता है, पाछे मतलब बाद में वो क्या करता है, पछता है। सोचते नहीं हो, अगर अच्छा सोचते नहीं हो और बिना सोचे आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हो या फिर कोई भी काम करते हैं तो संसार जो है आपके ऊपर हंसता
हंसता है, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थी चौथी कवन कुंडली के पहली दो लाइनें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाय। कि किसी भी कार्य करने से पहले अदय उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार किया जाए, अच्छी विचार न किया जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं, और जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में अगर विचार नहीं करता है तो उसे काम बिगड़ जाने का क्या होता है, पछताना पड़ता है। और उसका एक बार अगर काम बिगड़ जाए तो क्या हो जाता है, संसार में संसार उस पर क्या करता है, हंसता है। काम बिगाड़े अपनो जग में होता हंसता है, काम वो बिगड़ जाता है इसके लिए लोग भी उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की दो लाइनें देखते हैं। जग में होत हसाय, हसा यानी कि हसी, चित्त में चैन ना आवे, मन में क्या आता है, यानी कि मन में आपको क्या मिलती नहीं, शांति नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती आपको, मन में क्या नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। जग में होत हसाय, चित्त में चैन ना आवे, चैन यानी कि शांति, आवे यानी कि आती। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे, सम्मान यानी कि आदर, रिस्पेक्ट। राग रंग यानी कि नाच गाना, मन ही यानी कि मन को, भावे यानी कि अच्छा लगना। अभी देखो कि जो व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले अगर सोच समझ कर विचार नहीं किया, काम करने से पहले अगर विचार नहीं करता है तो उसके परिणाम के बारे में अगर कोई सोचता नहीं है तो उससे उसका काम जो होता है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। और काम बिगड़ जाने पर क्या करता है, संसार में संसार उस पर क्या करता है, हंसता है। जग में होता है, जग यानी कि संसार, जो संसार के मतलब आसपास के लोग हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं। और ऐसा लोग हंसने पर या फिर जो भी नहीं मिलती, उसका मन जो होता है उसको खाने को दौड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी वो काम कर रहे हैं या फिर किया था वो क्या हो गया था, बिगड़ गया था। इसके लिए संसार के लोग जो थे वो उनके ऊपर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। इसके लिए उसके मन में क्या नहीं था, चैन नहीं, चित्त में चैन नहीं, चैन यानी कि उसके मन को शांति नहीं मिलती। देखो आपने खुद भी एक कई कई बार अनुभव किया रहेगा कि आपने कोई अगर काम करना चाहा और वो आपका जो काम था वो अच्छा नहीं हो गया या फिर बिगड़ गया तो क्या होता है, वो हमेशा हमारे मन को लगते रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया रहेगा, मैंने ऐसा उसको क्यों बोला रहेगा, उसके ऊपर चिल्लाया क्यों रहेगा। या फिर कोई किसी के अगर आपको कोई मदद मांगने आए और आप अगर किसी को मदद नहीं करते हैं तो आपको वो क्या होता है, क्योंकि आप अगर मदद नहीं करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि सामने वाला भी आपको कभी मदद करने के लिए रेडी नहीं होगा, वो सोचेगा कि इसने भी मुझे कुछ, उस टाइम जब मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में था तो उन्होंने मुझे हेल्प नहीं की थी, इसके लिए वो सामने वाला भी आपको इसका परिणाम क्या होगा कि सामने वाला जो है वो आपको कभी मदद करने के लिए रेडी नहीं होगा। और उसके बाद आपने जो बिना विचारे या फिर बिना सोचे के वो तो काम किया था तो वो काम तो बिगड़ ही गया था, लेकिन आपको उसी काम के लिए पर उस जो आपने काम किया नहीं किया था उसके बारे में आपने अच्छी तरह से सोचा नहीं है, अच्छी तरह से उसके ऊपर ये नहीं किया है, विचार विचार करके उसको काम के लिए सोचा नहीं था उसका परिणाम क्या होगा। तो इसी तरह वो क्या होता है, आपके मन को वो हमेशा खटकता रहता है या फिर मैंने ऐसा क्यों किया रहेगा, ऐसा वो आप सोचते रहते, चित्त में कभी क्या है, कभी चित्त में चैन ना आए, आपके मन को कभी क्या, शांति नहीं मिलती है। और इसका परिणाम क्या होगा कि खान पान सम्मान, और आपने जो काम किया है था या फिर किया है उसे खाना पीना या फिर नाच गाना या फिर मान सम्मान कुछ अच्छा
नहीं लगता, क्योंकि आपके मन की शांति में शांति नहीं है। जो आपने काम किया था बिना विचारे सोचे उसके परिणाम के बारे में, तो अच्छा नहीं हुआ था या फिर बिगड़ गया था, इसके लिए संसार के लोग जो थे आपके ऊपर हंस रहे थे, इसके लिए उसके मन को शांति नहीं मिलती है। और उसे खाना पीना, खान पान, खान पान सम्मान, यानी कि खाना पीना और नाच गाना, राग रंग मन ही न भावे, राग रंग, तो राग रंग यानी कि नाच गाना, तो खाना पीना या फिर सम्मान जो भी कुछ है वो आप उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा उन्होंने कवि ने कहा है कि कवि गिरिधर उसके बाद कहते हैं, आगे वाले देखते हैं, ठीक है, आगे की और हम बढ़ते हैं। तो अगर आपने जो आप काम करते हैं या फिर आपने जो काम किया था बिना सोचे समझे, उससे क्या होता है, वो काम बिगड़ जाता है, इसके लिए उस संसार में उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं, उससे मन को शांति नहीं मिलती, और उससे क्या होता है, खाना पीना या फिर नाच गाना, मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अभी चौथी कुंडली के लास्ट की जो लाइन है, कह गिरिधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खट पत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। कछु यानी कि कुछ, तरत मतलब टलता है, तारे यानी कि टालने से, खटकत यानी कि पीड़ा, जी यानी कि हृदय, माही यानी कि मैं, कियो यानी कि किया, जी यानी कि हृदय। तभी कभी कहते हैं कि आपने जो काम किया है बिना सोचे समझे, उसका परिणाम तो, क्योंकि उसके परिणाम के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, तो वो काम तो बिगड़ गया, इसके लिए आपकी संसार में हंसी उड़ गई, हंसी हो गई, और इसके लिए आपके मन को शांति नहीं मिलती, उससे उसको खाना पीना या फिर नाच गाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तभी कभी कभी गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, दुख कछु टरत न टारे, और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता है। तो कभी कहते हैं, कभी गिरिधर कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में हर समय दुख बना रहता है, और इस दुख की वजह से वो, और जो दुख था, दुख है, वो कभी दूर नहीं होता है। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है, खटकत है जिय माही मतलब हृदय में, किए जो बिना विचारे, जो आपने जो काम किया है किया था वो बिना सोचे समझे उसके परिणाम के बारे में, तो वो हमेशा आपके दिल में क्या करता है, खटकता रहता है, पीड़ा देता है, आपको तकलीफ देता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जो है वो हर मन में हर समय उनके दुख बना रहता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया रहता है या फिर किया था, तो वो उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में कभी सोचते नहीं है या फिर सोचता नहीं, इसके लिए वो जो उन्होंने काम किया था या फिर करते थे वो क्या करता हुआ था, बिगड़ गया था, इसके लिए संसार उस पर हंसता है, इसके लिए उसके मन को भी कभी शांति नहीं मिलती, उसका खाना पीना, नाच गाना या फिर मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तभी कभी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय क्या रहता है, दुख बना रहता है, और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता, दुख कछु टरत न टारे, वो जो दुख था वो कभी टलता नहीं है, और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता, बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि जो काम अगर आप बिना सोचे किया है और बिगड़ गया है, इसके लिए आपको मन को खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, मन में शांति नहीं मिलती, और वो जो काम है उसके बारे में हम हमेशा विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसके लिए वो हमारे दिल में हमेशा खटकता रहता है। तो ये थी हमारी चौथी कुंडली, जिसमें कवि गिरिधर ने कहा है कि
और उन्होंने बताया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं, और वो हमने अभी देखे हैं। अब बढ़ते हैं अभी पांचवी कुंडली की ओर। ये है हमारी पांचवी कुंडली, और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है। जैसे कि हमने चौथी कुंडली में देखा है, वो काम हो गया, बिगड़ गया, तो उसको भूल जाओ। आगे क्या करना है, आगे किस तरह से सोच के काम करना है, इसके बारे में सोचो, ये उन्होंने इसमें कहा है। ठीक है, तभी ये है हमारी पांचवी कुंडली। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे, ताही में चित्त दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय, यहे करु मन प्रतीति, आगे की सुधि ले, समझो बीती सो बीती। तो इस कुंडली में, पांचवी कुंडली में कवि कहते हैं, कवि गिरिधर कहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाने का उन्होंने इसमें संदेश दिया है। दो दो लाइन में हम देखते हैं, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। बीती यानी मतलब जो बीत गया, ताही यानी कि उसे, बिसारी यानी कि भूल, सुधि यानी कि सोच, ले यानी कि लो। अभी इसमें उन्होंने ये कहा है कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे, चित यानी कि हृदय, दे यानी कि लगाओ। अभी इसमें उन्होंने यह कहा है कि हे मनुष्य, मतलब उन्होंने हुमन को कहा है, इनको कहा है कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसमें ध्यान लगाओ, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे। कि कवि कहते हैं कि, कवि गिरिधर कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको दिल में नहीं रखना है, उसको तुरंत भूल जाना है, और अभी आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना, आगे की सुधि ले, आगे वो अच्छा है जो अच्छा हो रहा है, या फिर अच्छे के बारे में सोचना है, पीछे जो हो गया, जो आपने बिना सोचे समझे किया या फिर कोई भी काम किया, तो उसके बारे में कभी भी, जो बीत गया उसके बारे में कभी भी सोचना नहीं है, आगे जो है उसके बारे में सोचना है, आगे की सुधि ले, आगे जो काम करना है, अच्छा काम करना है, उसको, उसके बारे में सोचना है, जो काम आसानी से हो सकता है उसी पे ध्यान लगाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बिना सोचे समझे, जैसे मैंने लास्ट कुंडली में कहा था कि बिना सोचे काम करते हैं, उसके वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, और वो हमेशा जो चीज है वो बुरा होने की, या फिर परिणाम जो बिगड़ता है, काम उसका काम बिगड़ता है, उसके बारे में हम सोचते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए कवि गिरिधर कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचना नहीं, उसको भूल जाना है। बीती ताहे को क्या करना है, बिसारी दे, बिसारी यानी कि भूल जाना है, जो बीत गया उसको भूल जाओ और आगे वाले आने के समय के बारे में सोचना है। क्योंकि जो बनी आवे सहज में, जो आसानी से हो सकता है, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ताही में चित्त दे, इससे हमें क्या मिलता है, हृदय में चित्त मिलता है, हृदय यानी कि चित्त यानी कि हृदय में, देह यानी कि लगाओ, उसमें अपना मन लगाओ, उसमें अपना ध्यान बटाओ, या फिर उसके अपना दिल लगाओ। ठीक है, तो ये थी हमारी पांचवी कुंडली की पहली दो लाइनें। आगे बढ़ते हैं, ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। अभी
इसमें शब्दार्थ लिखो, जोई यानी कि जोही, दुर्जन यानी कि दुष्ट, तथा यानी कि परेशानी, पावे यानी कि पाए। अभी ताही में चित्त दई, बात जोई बनी आवे। अभी यहाँ पे देखो, कवि कहते हैं कि ऐसा करने पर दुष्ट जो लोग होते हैं, दुर्जन, ताही में चित्त दई, बात जो बनी, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। ठीक है, तो कि जो काम आसानी से हो सकता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर दुष्ट जो लोग होते हैं उनको हंसने का मौका नहीं मिलता, दुर्जन हंसे न कोई, और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। चित्त में यानी चित्त यानी कि मन में, हृदय में आपको खता नहीं होगी, आपको असंतोष नहीं रहेगा, परेशानी नहीं होगी, खता यानी कि परेशानी। ठीक है, कवि कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको बात को क्या करना है, भूल जाना है। इससे क्या होगा कि जो काम आसानी से हो सकता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और ऐसे करने पर दुष्ट लोग क्या करते हैं, आप जो लोग क्या करते हैं कि हमेशा वो बीत गया सो उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो कवि कहते हैं कि उसको भूल जाना है। जो बीत गया सो उसको क्या करना है, भूल जाना है, और आगे जो आसानी से काम हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऐसा करने पर जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन जो लोग होते हैं, उसको क्या करना है, हंसने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे कि आपका अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि संसार आपके ऊपर हंसता है, ऐसा कवि गिरिधर कहते हैं। तो ऐसा करने पर अगर आप वही सोचते रहोगे जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना, ऐसा कवि कहते हैं, लेकिन अपन उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्या होता है कि दुर्जन जो लोग होते हैं, दुष्ट जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके ऊपर हंसते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो भूल बीत गया सो उसको भूल जाना है, और जो काम आसानी से हो सकता है उसे उसके ऊपर ध्यान लगना है। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि दुर्जन लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, उनको हंसने का मौका कभी नहीं मिलेगा, और तुम्हारे मन में क्या नहीं रहेगा, असंतोष नहीं रहेगा, दुख नहीं आएगा, चित्त में खता, खता यानी कि परेशानी नहीं होगी। और ये थी हमारी पांचवी का, पांचवी कुंडली का दूसरी दूसरी दो लाइनें, आगे देखते हैं। ठीक है, कवि गिरिधर कविराय कहें ये करु मन परतीति, परतीति यानी कि विश्वास, आगे की सुधि लई, समझू बीती सो बीती। अभी परतीति यानी कि विश्वास, समझू यानी कि समझी, बीती सो मतलब उसे। तो कवि कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो, बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। अभी कवि गिरिधर कहते हैं कि अभी क्या करना है कि ऐसा काम करो या फिर ऐसा कुछ काम करो जिसके ऊपर क्या है आपका विश्वास है। करो मन परतीति कि कवि कहते हैं कि वही करो, यह करो करो मन परतीति, जिसके ऊपर आपका पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे से हो सकता है, या फिर ये मैं करूँगा, क्योंकि वो आसान है, उसका परिणाम आपको पता है, उसके ऊपर आपका विश्वास है। जो आप काम कर रहे हो या फिर जो भी करते हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, और आगे की सुधि ले, और उसी विश्वास के साथ जो आपका जिस काम में आपका मन हो उसके ऊपर विश्वास के साथ आप करो, और आगे की सुधि ले, और बीती बातों को भुलाकर बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचना है। समझू बीती सो बीती, समझू यानी कि समझिए कि आगे जो अच्छा होना है, आगे की सुधि ले, आगे के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में सोचना है। और कवि गिरिधर कहते हैं कि बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में हमें कभी सोचना नहीं है। तो इसी तरह पांचवी कुंडली में कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जो अभी बीत गया उसको क्या करना है, भूल जाओ, और आगे आने वाले के समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में आपका
ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर क्या होता है, क्या होगा कि दुष्ट जो लोग हैं उनको हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा, आपको दुख नहीं रहेगा। तभी कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो, बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। अगर कवि का यही संदेश है कि अगर आप जो बीत गया या फिर जो आपने भूल हुई उससे अगर आप भूल नहीं जाओगे तो आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, हम वो आपके मन के मन को हमेशा टकता रहता है। इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि वो बीत गया सो बीत गया उसको भूल जाना है, और जो काम आसानी से हो सकता है सहज हो सकता है उसके ऊपर ध्यान लगाना है, ताकि दुष्ट जो लोग हैं संसार में जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो मौका मिलने पर हंसते हैं तो उनको हंसने का मौका नहीं मिलेगा और आपको आपके मन को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। सो जो और कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, मन का विश्वास हो, ऐसा ही काम करो और बीती बातों को भुला कर मानकर भविष्य कार्य में सोचना है। ठीक है, ये थे हमारी पांचवी कुंडली। अब अभी छठवीं कुंडली और लास्ट कुंडली, इसमें कभी कहते हैं कि वो पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है, और अभी छठवी यानी कि अंतिम कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। अभी इसमें कवि गिरिधर ईश्वर के स्मरण बल दिया है, उसके ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो ये है हमारी छठवीं यानी कि अंतिम कि लास्ट की जो अंतिम कुंडली है उसमें उन्होंने कहा है, ये देखो देखते हैं अभी लास्ट वाली सॉरी लास्ट वाली कुंडली। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलझिए, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के कार शीश आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपनो पानी। कि अगर कवि इसमें कहते हैं लाश की कुंडली में कहते हैं कि यदि अगर नाव में पानी भर जाए तो उससे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। देख पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलचिए, यही सयानो काम। बाढ़ो यानी कि बढ़ जाना, दाम यानी कि धन पैसा प्रॉपर्टी, उलची यानी कि फेंकिए, सयानो यानी कि समझदारी। कि जब यदि नाव में पानी भर जाए, नाव यानी कि बोट, अगर बोट में आप किसी आप यदि नाव में पानी भर जाए तो क्या करते हैं हम, जो नाव के अंदर का पानी जो होता है वो क्या करते हैं हम दोनों हाथों से निकालते हैं। ठीक उसी तरह घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथों उलझिए, यही सयानो काम। अगर आपके घर में धन बढ़ जाए, धन यानी कि धन पैसा प्रॉपर्टी, जैसे आप कवि गिरिधर कहते हैं कि जैसे ही नाव में पानी बढ़ जाता है, नाव के अंदर पानी आ जाता है तो क्या करते हैं हम उसको दोनों हाथों से बाहर फेंक रहे हैं, उसको दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। वैसे ही ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो, पैसा बढ़ रहा हो, प्रॉपर्टी ज्यादा हो, पैसा आ रहा हो तो क्या करना है, उसे मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए, यही समझदारी है, यही सयानो काम। मतलब जैसे पानी नाव का पानी हम दोनों हाथों से निकाल देते हैं, फेंकते हैं, इसी तरह हमें आप घर में अगर धन बढ़ रहा हो तो उसको मुक्त भाव से समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही उन्होंने इस दो पंक्तियों में कहा है, यही सयानो काम।
राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजिए। सुमिरन यानी कि स्मरण, ईश्वर के नाम, कीजिए यानी कि करें, काज यानी कि काम, शीश यानी कि सिर। तो कवि कहते हैं कि आपके घर में अगर धन घट रहा हो तो उसको मुफ्त मुक्त भाव से समाज सेवा में लगा देना चाहिए, गरीब लोगों में बांटना चाहिए, गरीब लोगों को देना चाहिए, या फिर किसी जिसको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको वो समर्पित करना है, उसको देना है, और इसी में समझदारी है, और यही हमारा अच्छा काम है, यही सयानो काम। राम में सुमिरन कीजिए और पर स्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजिए। यही समझदारी है कि यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। पर स्वार्थ यानी कि सर्वस्व, परोपकार, निछावर करना चाहिए। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि आपके घर में अगर धन बढ़ रहा हो तो उसको क्या करना है, अच्छे काम के लिए उसका यूज करना चाहिए, मुक्त मन से, उसके मुक्त भाव से, अच्छे मन से उसको क्या करना है, समाज सेवा में लगाना है, गरीबों में उसको बांटना है। यही तो यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना क्या कर देना चाहिए, सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, शीश आगे कर दीजिए, मतलब आपका सिर जो है वो भगवान के सामने या फिर ईश्वर के नाम लेकर उसको अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी लास्ट कुंडली का दूसरी दो लाइन। आगे की अभी लास्ट की दो लाइनें देखो। कह गिरिधर कविराय, बड़े इनकी याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपने पानी। अभी कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। बड़े लोग यानी कि बड़े लोग जो होते हैं, याही यानी कि यही, बानी यानी कि कथन, चाल यानी कि व्यवहार, सुचाल यानी कि सु यानी कि अच्छा व्यवहार, राखी मतलब रखो, और अपनों यानी कि अपनी, पानी यानी कि इज्जत। देखो, कह गिरिधर कविराय, बड़े इनकी यही याही बानी। गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि बड़े लोग मतलब जो भी अच्छे कर्म करने वाले अच्छे लोग, वो हमेशा कहते हैं, उनका कहना है कि अपना जो आचरण है वो उचित रखना चाहिए। चलिए चाल सुचाल, राखियो अपने पानी, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। तो कवि का कहना यह है, यही है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है, जैसे हम यदि नाव में पानी भरा जाए तो क्या कहते हैं, उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो उसे मुक्त भाव से उसे समाज में लगा देना चाहिए, गरीब लोगों को देना चाहिए, अच्छे काम में उसको, जो आपके पास धन है उसको लगाना चाहिए। और कवि कहते हैं कि यही समझदारी है, यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। और कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण है वो उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो भी आपके पास धन है, या फिर कोई आप अगर अच्छे काम में लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका नाम हो जाता है और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज में क्या हो जाती है, अच्छी होती है, अच्छी रहती है। इसके लिए कवि कहते हैं कि बड़े लोगों का जैसा कहना है कि हमें अपना आचरण क्या रखना चाहिए, उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा क्या है, बनाए रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी लास्ट की कुंडली
तो कवि कहते हैं कि हर एक कुंडली में कहते हैं, जैसे कि पहले कुंडली में उन्होंने कहा है छह कुंडलियां है, हर एक कुंडली में उन्होंने अच्छे अच्छे बातें बताई है, अच्छा अच्छा संदेश दिया है। तो प्रथम कुंडली में उन्होंने कहा है कि उन्हें गुण के बारे में गुणों का महत्व दर्शाया है। दूसरी कुंडली में उन्होंने स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तीसरी कुंडली में उन्होंने ऐसे लोगों के विषय के बारे में बताया है कि जो ऋण लेकर लौटाना नहीं जानते। चौथी कुंडली जो कि आज हमने देखी है, उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसका परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और पांचवी कुंडली में उन्होंने पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया है। और छठवीं जो हमने अभी देखी अंतिम कुंडली में उन्होंने कहा है कि ईश्वर के स्मरण में तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। हाँ, तो ये थी हमारी पहली कविता कह कविरा, जो गिरिधर ने लिखी, कवि गिरिधर ने लिखी। और ये है अपना एक क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार लिखना। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देखिए, इस प्रकार प्रश्न आपको आते हैं 2 मार्क्स के लिए, जिसको आपका अपने विचार यानी कि भावार्थ या फिर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। तो ये है, गुण के गाहक सहस्र नर इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये जो लाइन है ये अपनी पहली कुंडली जो है उसका शुरू का ही ये लाइन है, तो इसका अर्थ क्या रहेगा। तो लोग और कवि कहते हैं कि गुण के गाहक सहनर यानी कि जो जिन लोगों के पास अच्छे गुण होते हैं, जो अच्छे गुण वाले होते हैं, उनको हजारों लोग पसंद करते हैं। गुण यानी कि गुण कैरेक्टर, गाहक यानी कि खरीदार ग्राहक, सहस यानी कि हजारों, नर यानी कि लोग। तो इस कविता का इस लाइन का अर्थ यह है कि इस संसार में सभी लोगों को गुणी प्रिय होते हैं, जो अच्छे गुणों वाले होते हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिनके अंदर गुण अच्छे होते हैं, उनको ही पसंद किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का रूप रंग व्यक्तित्व यदि कुछ ही दिन तक प्रभावित रहता है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो रूप रंग से आपका व्यक्तित्व, लेकिन आपका अगर गुण अच्छे नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं, तो आपको लोग अच्छा बोलते नहीं या फिर अच्छा कहते नहीं। तो किसी भी व्यक्ति का रूप रंग व्यक्तित्व आदि कुछ ही दिन तक प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान उसके व्यवहार, गुणों अवगुणों पर जाता है। तो रंग रूप से किसी को लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि कागा और कौवा का उन्होंने कवि गिरिधर ने उदाहरण दिया है कि दोनों का रंग एक ही है, लेकिन उनके जो अंदर है वो गुण जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसके लिए लोग कोयल को पसंद करते हैं क्योंकि उसका गुण अच्छा है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान उसके व्यवहार और गुणों पर जाता है। जो व्यक्ति मृदुभावी होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, सब उसी को पसंद करते हैं। मतलब अच्छा बातें करता है, अच्छे करता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, हेल्पफुल है, ऐसे लोगों को ही वो लोग पसंद करते हैं। वे सभी का मन जीत लेते हैं। कटुवादी स्वार्थी लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। स्वार्थी जो लोग होते हैं, अच्छे गुण जिनका गुण अच्छा नहीं होता है, जो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, उनको लोग क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। तो यही इस लाइन का अर्थ है, या फिर गुण के गाहक सहस नर इस जो लाइन है इसका मतलब यही है कि अच्छे गुणों वालों के संसार में, इस संसार में सभी लोग गुणी को ही प्रिय होते हैं। सभी लोगों को क्या होता है, गुणी जो लोग होते हैं, जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, वो उनको ही पसंद किया जाता है। तो
ये थी हमारी पहली कविता। कविता का नाम था कह कबीरा, यही हमने आज देखा है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम हम आगे वाली जो भी है चैप्टर है पर कविता है वो आगे वाला शायद कवि यह है पूरक प्रश्न है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू।